हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं हमारा जो नेशनल इनकम का बेसिक कंसेप्ट है या फिर उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो कल का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने सीखा था बच्चे कि हमारे पास जो हमारा जो कंसेप्ट है नेशनल इनकम का वो क्या होता है, और उसके जो दो बेसिक कंसेप्ट थे हमारे पास कि फैक्टर इनकम क्या होता है और नॉर्मल रेजिडेंस क्या होते हैं, जिनको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जो आज का लेक्चर होगा, आज का लेक्चर हमारा रिलेट करेगा कि वो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और वो नेशनल इनकम क्या होती है। तो उसके बारे में हमें आज के लेक्चर में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो बच्चों देखो, मैंने कल बात की थी आपसे कि जो नेशनल इनकम काउंट करेंगे वहां पर हम लोग फैक्टर इनकम इंक्लूड कर रहे थे कि फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम भी मैंने आपको बताई थी, एक तो रेजिडेंस के द्वारा जो भारत के आम नागरिक हैं और जो भारत के आम नागरिक नहीं हैं, मतलब मैंने कल वहां पर डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करी थी कि जो भारत की टेरिटरी के अंदर होंगे, हमारे देश की टेरिटरी के अंदर होंगे, हमारे देश की बाउंड्री के अंदर होंगे। तो वहां से दो कंसेप्ट निकल के आते हैं बच्चे कि एक तो डोमेस्टिक इनकम क्या होगा, कि डोमेस्टिक मतलब घरेलू आय क्या है, हमारे देश के अंदर की आय क्या है, अंदर की इन द सेंस बच्चे कि जो सिर्फ हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश के लोग जो हमारे देश के अंदर काम करते हैं, बेशक वो बाहर के लोग हों या फिर इंडिया के लोग हों, पर हमारे देश की बाउंड्री में। जैसे मान लो मैं इस रूम में बैठा हूं, ये मेरे लिए एक डोमेस्टिक रूम है। ठीक है, इस रूम के अंदर इस क्लास का बच्चा है और जो इस क्लास का बच्चा नहीं है, उसके द्वारा क्या क्या पढ़ा गया है। ठीक है, वो एक डोमेस्टिक स्टडी की बात की है मैंने। अगर मैं बात करूंगा कि नेशनल की बात, तो इस रूम के बाहर जो कोई भी है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। कहता है डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, हमारी सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, जो भी हमारी फैक्टर इनकम होती है ना, उसका क्या होती है, सम टोटल होती है क्या, डोमेस्टिक इनकम। अब आपके माइंड में क्वेश्चन फिर से वही, सर फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम के लिए, अगर आपको फैक्टर इनकम नहीं पता है बच्चों, तो जो इससे पहले वाला लेक्चर है एक बार YouTube पे जाके उसको जरूर देख लीजिए, आपको फैक्टर इनकम का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है उसको वहां पर। ठीक है, फिर भी आपको बता देता हूं फैक्टर इनकम क्या होती है बच्चे। वो आपको वेजेस, वो फैक्टर पेमेंट जो आपको फैक्टर सर्विसेज के बदले में मिलती हैं, वो क्या कहलाती हैं आपके लिए, फैक्टर इनकम कहलाती हैं। ठीक है, उसमें आते हैं आपके कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, कोई रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, और ये आप सब जानते हैं ये किसके बदले में मिलता है हमें, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, मतलब लोगों को काम के बदले में मिलने वाला जो पैसा है। ठीक है, उसको हमने फैक्टर इनकम में वेजेस के नाम से भी जाना था कि वेजेस भी होते हैं। रेंट आप जानते हैं, रेंट हमें किसके बदले मिलता है, जमीन के बदले, इंटरेस्ट कैपिटल के बदले, प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को मिलता है। कहता है इन सब का सम टोटल विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री, जो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी है, हमारे देश की बाउंड्री है, उसके अंदर जितनी भी फैक्टर इनकम होगी उसका सम टोटल। ठीक है, और वो डोमेस्टिक टेरिटरी कौन सी और वो फैक्टर इनकम किस किस के द्वारा जनरेट हो, या तो कोई नॉर्मल रेजिडेंस हो या फिर कोई नॉन रेजिडेंस हो, या तो भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक ना हो, उसके द्वारा एक डोमेस्टिक टेरिटरी में पैदा की गई इनकम, अर्न की गई इनकम को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। आगे कंसेप्ट आता है नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम होता है बच्चे सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, ये भी सम टोटल होता है किसका, फैक्टर इनकम का, वही कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, वही रेंट, वही इंटरेस्ट, वही प्रॉफिट। पर कहता है कि वही सब सेम चीजें हैं किसके द्वारा, नॉर्मल रेजिडेंस हो या फिर नॉन रेजिडेंस हो, मतलब यहां तक क्या है, सब सेम है किसके लेवल पे, डोमेस्टिक इनकम के लेवल पर। पर चेंज कहां आता है, इसमें चेंज आता है कि डोमेस्टिक में बताया था मैंने कि जो सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी में पैदा किया गया हो, पर यह बोला गया है नेशनल इनकम जो डोमेस्टिक टेरिटरी में हो या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर हो, कहीं पर भी हो। डोमेस्टिक इनकम में मैंने क्या बोला था कि जो सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी में हो, जो एक देश के अंदर की सीमा के अंदर हो। ठीक है, पर यहां पर मैंने एक टर्म और इंक्लूड करी है कि दोनों के द्वारा, कोई नॉर्मल रेजिडेंस हो या फिर नॉन रेजिडेंस हो, जो भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक ना हो।
ठीक है, उन दोनों के द्वारा प्रोड्यूस की गई इनकम को हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। वो या तो डोमेस्टिक टेरिटरी में हो या फिर आउटसाइड द कंट्री हो भाई, ठीक है। तो हमारे पास ये वो दो कंसेप्ट थे भाई। आगे कहता है बच्चों वो, देखना आप लोग, के अब क्वेश्चन आता है कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है कंट्री की। अब भाई हम लोगों ने बार बार डिस्कस किया है कि या तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर। अब आपके माइंड में एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि सर ये डोमेस्टिक टेरिटरी हम लोग किसको बोलेंगे, कहाँ तक हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कहता है बच्चे इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, टेरिटरी लेइंग विद इन द पोलिटिकल फ्रंटियर्स, जो हमारे देश की पोलिटिकल बाउंड्रीज हैं। आप सबने 10th के क्लास में पोलिटिकल मैप देखा होगा हमारे देश का, वो सब पॉलिटिकल फ्रंटियर। फ्रंटियर का मतलब वो सब बाउंड्रीज, ठीक है, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल वाटर्स, जो जहां तक हमारे देश का समुंदर के अंदर पानी है। अब जहां आपको बताऊं बच्चे, एक कंसेप्ट है ये आता है टेरिटोरियल जो कन्वेंशन है हमारे पास, सीज कन्वेंशन है, उसके अंदर में आता है कि जहां पर एक देश की लैंड बाउंड्री है ना, उससे 200 नॉटिकल माइल तक आगे तक उस देश का समुंदर का जो हिस्सा है वो उस देश का हिस्सा होता है, उस देश का हिस्सा माना जाता है 200 नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स ये समंदर की जो वहां पर सीज की जो टर्म्स है वहां की टर्म्स है ये, ठीक है। मतलब अगर रफली बात करता हूं तो 250 किलोमीटर के अप्रोक्स बाउंड्री से आगे हमारे देश का हिस्सा है। तो उसके अंदर भी जो इनकम जनरेट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो भी हमारी क्या है, एक हमारे देश की ही डोमेस्टिक टेरिटरी है। या फिर कहता आगे शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री बिटवीन टू कंट्रीज, के या तो कोई शिप हो, कोई जहाज हो, कोई एयरक्राफ्ट हो, ठीक है, वो कोई रेजिडेंस है हमारे देश का, दो देशों के बीच में व्यापार कर रहा है, वो भी हमारी बाउंड्री के अंदर आएगा, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, क्योंकि वो जहाज कहाँ का है, हमारे देश का है। आगे फिशिंग वेसल्स होते हैं, ऑयल नेचुरल गैस रिग होता है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऑपरेटेड बाय रेजिडेंस ऑफ द कंट्री, हमारे देश के लोगों के द्वारा कहीं पर कोई माइनिंग की जा रही हो भाई, मछली पकड़ी जा रही हो समंदर के अंदर से, ठीक है, नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा हो, समंदर के अंदर बहुत ज्यादा मिलती है, वहां से निकाली जा रही हो, या फिर कोई तैरने वाले प्लेटफॉर्म्स हो जो समंदर के अंदर हो। मैंने जो फिजिकल बाउंड्री है पॉलिटिकल मैप की वो तो बता दी, मैं आपको ये समंदर का एरिया बता रहा हूँ कि वहां पर भी हमारे देश की बाउंड्री आएगी, ठीक है। तो वो सब भी हमारे देश के अंदर आएगा, बशर्ते वो किसके द्वारा हो, इंडियन रेजिडेंस, हमारे रेजिडेंस के द्वारा हो, ठीक है। या फिर और कौन सी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी आएंगी, जो हमारी एम्बेसीज होती हैं, मतलब जो हमारे राजदूत होते हैं, ठीक है, जो हमारे दूसरे देशों के अंदर हमारे राजदूत होते हैं ना, जैसे मैंने बताया था कल के लेक्चर में कि जैसे दिल्ली के अंदर अमेरिका की एम्बेसी है, पाकिस्तान की एम्बेसी है, चाइना की एम्बेसी है, जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं उस बिल्डिंग की बाउंड्री के बीच में उसी देश का कानून लागू होगा जो जिस देश की वो एम्बेसी है। पर वो जगह कहाँ पर स्थापित है, वो तो हमारे देश में है, पर कानून कहाँ का लागू हो रहा है, उस देश का जहाँ की वो एम्बेसी है। तो कहता है कि वो भी उसके अंदर भी जो व्यापार हो रहा है, जो का इनकम अर्न की जा रही है, वो भी कहाँ की है बच्चे, वो भी इनकम कहाँ की है, वो भी उसी डोमेस्टिक एरिया में की जाएगी। मतलब हमारे देश के जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, जम्मू कश्मीर से लेके भाई कन्याकुमारी तक, यहाँ पे जो भी अर्न हो रहा है और इसके नियर बाय सीज में जो हमारे, मैंने आपको बताया, जो कुछ भी अर्न हो रहा है वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। उसके अलावा जो दूसरे देशों के अंदर हमारी एम्बेसी है, उस पर्टिकुलर एम्बेसी की बाउंड्री में जो कुछ भी इनकम जनरेट हो रही है वो डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी बच्चे, ठीक है। तो ये आपके लिए डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन थी कि डोमेस्टिक टेरिटरी आखिर में होती क्या है, ठीक है। मैंने बहुत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया आपको कि आखिर ये होती क्या है। आगे देखना बच्चों, आगे कहता है वो कि अब डोमेस्टिक टेरिटरी तो हम लोगों ने सीख लिया, अब इकोनॉमिक टेरिटरी भी है। इकोनॉमिक टेरिटरी डोमेस्टिक तो मतलब वही जहां पर हमारा जो देश की पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब जहां पर हम व्यापार लेन देन करते हैं वो कौन से टेरिटरी होती हैं, तो वो देखते हैं इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी। द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इज द रिलेवेंट ज्योग्राफिकल एरिया, वो हमारे देश का वो ज्योग्राफिकल एरिया है जहां पर हमारे वासी रहते हैं। हमारे देश के लोग अरुणाचल प्रदेश में भी रहते हैं, कश्मीर के भुज कश्मीर में भी रहते हैं, गुजरात के भुज में भी रहते हैं जो पाकिस्तान के साथ लगता है, राजस्थान के जैसलमेर में भी रहते हैं, श्रीलंका के साथ लगने वाले कन्याकुमारी में भी रहते हैं, वो सब हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है, वहाँ पर हमारे लोग भी रहते हैं और संस्थान इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो इनकम जनरेट करते हैं, वो सब इकोनॉमिक टेरिटरी का हिस्सा आएंगे हमारे पास। आगे है
इकोनॉमिक टेरिटरी कंसिस्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सिंगल गवर्नमेंट, जो एक गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जा रही है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, इसको कौन संभाल रहा है? भारत देश की सरकार संभाल रही है। क्या चाइना संभाल रहा है कहीं पे, या पाकिस्तान संभाल रहा है? नहीं, ये सब किसके हैं? भारत देश के अंदर हैं भाई, ठीक है। और जो हमारे स्पेशल जोन होते हैं, स्पेशल जोन बनाए गए हैं, जैसे भारत की बाउंड्री मैंने बताया, चेन्नई के पास जो हमारा एरिया है वहाँ खत्म हो जाता है, वहाँ पे 200-250 नॉटिकल माइल तक। आगे अंडमान निकोबार आएगा, वो भी हमारे द्वारा स्पेशल जोन है हमारे, ठीक है, जहाँ पर हमारे कानून लागू होते हैं, फ्री ट्रेड जोन्स हैं, ये सब हमारे देश की वो इकोनॉमिक टेरिटरीज हैं जहाँ पर हम लोग व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं, पर अपनी बाउंड्रीज के अंदर में करते हैं बच्चे, ठीक है। तो हमारे पास ये वो इकोनॉमिक टेरिटरी थी हमारी, ठीक है। अब आगे कहता है बच्चों, वो देखना कि जो नेशनल इनकम हम लोगों ने देखी है, डोमेस्टिक इनकम हम लोगों ने समझी है, उसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट कैसे करेंगे? आखिर हमें तो सीखना क्या है कि नेशनल इनकम क्या होती है, ठीक है। पर अभी तक हम लोग क्या समझ रहे थे? डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी। हम लोगों ने समझ तो लिया है डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, उसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो देखना। कहता है नेशनल इनकम को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है भाई? उसके लिए हमारे पास डोमेस्टिक इनकम होना चाहिए। मैंने बताया था ना, डोमेस्टिक इनकम में जो रेजिडेंस हो, नॉन रेजिडेंस हो, पर एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में हो, ठीक है। मैं आपको रिपीट करा देता हूं, देखो मैं फिर से दिखाता हूं आपको, एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बच्चे कहा था ना इसने, देखो यहां पर डोमेस्टिक इनकम, जहां पर उसने बोला है कि हमारे पास एक डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है, हमारे पास एक डोमेस्टिक टेरिटरी में रेजिडेंस हो या फिर नॉन रेजिडेंस हो, ठीक है, उन सब के द्वारा वो डोमेस्टिक इनकम वो तो है ही है। साथ में आगे क्या बच्चे, आगे हमारे पास आएगी वो डोमेस्टिक इनकम तो है, प्लस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम सारे जान गए, नेट मतलब जो लेन देन हमारा जो हो रहा है उसमें प्लस माइनस होगा। फ्रॉम एब्रॉड का मतलब क्या होता है बच्चे? एब्रॉड का मतलब भारत देश के बाहर से। अब हमने अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो देख ली, अब जो एम्बेसीज हैं वो कहां पे हैं? वो भारत देश के बाहर है, वहां से जो भारत के एनआरआई बाहर हैं उनसे मिलने वाली इनकम, वो भी तो भारत देश के लोग हैं, पैसा काम कुवैत में करते हैं, दुबई में करते हैं, अमेरिका में करते हैं, इंग्लैंड में करते हैं, पैसा कहां भेजते हैं? भारत के अंदर, तो वो हमारे देश का, हमारे देश की इनकम कहलाएगी भाई, वो साल में यहां आते रहते हैं। अब जो रूल थे वो मैंने कल के लेक्चर में बताए थे, तो कल के लेक्चर को एक बार अच्छे से समझ लेना, तभी आपको आज वाला लेक्चर क्लियर होगा। कहता है डोमेस्टिक इनकम प्लस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये क्या कहलाएगी? हमारी नेशनल इनकम कहलाएगी, ठीक है। आपको डोमेस्टिक इनकम आप लोग समझ चुके थे, अब आपके लिए क्वेश्चन आएगा, सर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होती है? कहता है ये वो इनकम होती है, फैक्टर इनकम बाय आवर रेजिडेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो इनकम अर्जित की गई है हमारे देश के लोगों के द्वारा बाकी भारत देश के बाहर, भारत देश के बाहर, चाइना में, पाकिस्तान में, ईरान में, इराक में, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, यूके, कहीं पर भी, पर वो बशर्ते कहां का इंसान हो, वो भारत का हो, वहां पर उससे कमाई गई इनकम, ठीक है, उसमें से क्या निकाल देते हैं हम लोग? फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंस ऑफ द डोमेस्टिक, ऑफ नॉन रेजिडेंस इन अवर डोमेस्टिक टेरिटरी। अब जैसे हमारे देश के लोग बाहर कमा रहे थे, ऐसे बाहर के लोग हमारे देश में भी तो कमा रहे थे, हमारे लोग बाहर कमा रहे थे और बाहर के लोग हमारे यहाँ कमा रहे थे। जो बाहर के लोग हैं वो तो यहाँ से पैसा लेके जाएंगे, और जो हमारे लोग हैं वो बाहर से पैसा लेके आएंगे, जो वो पैसा लेके आएंगे उसमें से क्या लेस कर देंगे जो यहाँ से पैसा लेके जाएंगे, ठीक है। तो निकल आएगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, एक वर्ड है, छोटी सी डेफिनेशन है बच्चे, वो बता देता हूँ आपको मैं, या एक हल्का सा आइडिया है। नेट वर्ड जहां पर भी इस्तेमाल होगा ना, नेट का मतलब होता है एक जाली, कुछ छान के आता, कुछ छन के आता है उसमें से, मतलब कुछ लेस होके आ रहा है, यहां पर लेस हो रहा है ना बच्चे, लेस होके आता है, ठीक है। ग्रॉस की बात की जाएगी तो ग्रॉस का मतलब होता है उसमें कुछ ऐड किया जा रहा है, उसमें कुछ जोड़ा जा रहा है, जहां पर भी कुछ नेट आएगा समझ लो कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, कुछ ना कुछ लेस हो रहा है। आप चाय छानते छलनी में से, क्या बोलते हैं उसको, एक नेट बोलते हैं उसको भी, एक फुटबॉल का नेट होता है कि बॉल उसमें से छन के ना जाए, बाहर चली ना जाए, मतलब हवा तो निकलती रहे पर बॉल उसमें वहीं रुक जाए, नेट कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है। हमने दो चीज छानी उसमें से, एक चीज ऐसे रह गई और एक निकल गई उसमें से, ठीक है। ये एक जर्नल सा आइडिया था,
ये वैसे कोई लॉजिकल कोई खास लॉजिकल नहीं है, पर पता होना चाहिए। ये नेट को और ग्रोस को समझा रहा हूँ बस मैं आपको, ठीक है। तो ये था आपके लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भाई। अब हमने डोमेस्टिक को तो कन्वर्ट कर लिया किसमें, नेशनल में। नेशनल को कन्वर्ट करना हो तो वही जो हमारे पास ऊपर वाला फॉर्मूला था उसको अपोजिट कर देंगे, डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पहले नेशनल इनकम था, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दोनों को जोड़ दिया तो नेशनल इनकम बन गई। इसी फॉर्मूले को आगे पीछे करना है, डोमेस्टिक इनकम निकल आएगी। यहां पर क्लियर है ना आपको कि डोमेस्टिक इनकम को कैसे कन्वर्ट करेंगे नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम को कैसे कन्वर्ट करेंगे डोमेस्टिक इनकम में बच्चे, ठीक है। आगे आपके पास आता है, अब आपने दो चीजें जानी है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, ठीक है। अब बात करता है बच्चे आपके आपके सामने वो कि डोमेस्टिक इनकम तो सभी जान गए हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जो एक देश की बाउंड्री के अंदर पैदा किया गया गुड्स या सर्विसेज उसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्रोडक्ट कह देते हैं भाई। क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, क्या दोनों एक दूसरे के समान हैं ये, तो इसका आंसर होगा यस, बोथ आर सेम कंसेप्ट, दोनों सेम कंसेप्ट हैं। क्यों सेम कंसेप्ट है, बिकॉज प्रोडक्शन इज कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम। आखिरकार जो प्रोड्यूस किया गया है उसको तो इनकम में कन्वर्ट करना है। अब आप लोग पूछेंगे सर जो प्रोड्यूस किया गया है उसको इनकम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप लोग उसके लिए जानना, उसके लिए देखना। पहले कहता है फर्स्ट फर्म्स प्रोड्यूसेस गुड्स बाय हायरिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउसहोल्ड। पहले फर्म क्या करती है, गुड्स को प्रोड्यूस करती है, और वो प्रोड्यूस किसकी हेल्प से करती है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कौन है, वो हाउसहोल्ड है, जो आपको लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी हेल्प से आप लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। आप उनको हायर करते हैं, उसकी हायरिंग के बदले में आप वहां पर प्रोडक्शन किया, आप लोगों ने प्रोडक्शन की है तो दूसरे फेस में क्या होगा, आपने कुछ प्रोडक्शन कर दी, आप अपने जो आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है उसको मार्केट में बेचेंगे, मार्केट में बेचने के बाद उसको खरीदेगा कौन, वही हाउस होल्ड तो खरीदेगा उसको, और बदले में उसको पेमेंट देगा, एक्सपेंडिचर करेगा। अब प्रोड्यूसर्स को पैसे मिल गए, बदले में रेवेन्यू मिल गया, उस रेवेन्यू को आगे बांटेगा भी तो किसके बीच में बांटेगा, जो वो फैक्टर जिसने फैक्टर सर्विसेज दी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू अमंग द हाउसहोल्ड्स, हाउसहोल्ड के बीच में उसको बांटेगा जो बाय प्रोड्यूसर्स के द्वारा, और वो किस फॉर्म में बांटेगा, लैंड के बदले क्या देगा, रेंट देगा, ठीक है, जिसने जमीन दी थी, लेबर के बदले वो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय या फिर वेजेस देगा, कैपिटल के बदले वो इंटरेस्ट देगा, और हमारे पास जो एंटरप्रेन्योरशिप थी उसके बदले में वो प्रॉफिट देगा, ये वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा रिवेन्यू का जो उसने प्रोडक्ट बेच के कमाया था। तो मतलब क्या कहेंगे हम लोग, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा अल्टीमेट वही क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर कंसेप्ट हैं बच्चे, ठीक है। जैसे देखना, जो डोमेस्टिक इनकम होती है वो क्या होती है हमारी, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू, बच्चे यहाँ पर ये प्लस का साइन नहीं है, ये इक्वल का साइन है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो ये प्लस का साइन है बच्चे, ये प्लस का साइन नहीं है, ये इक्वल का साइन है, तो आप इसको ठीक कर लेना बच्चे, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, सॉरी नेशनल इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, सिर्फ मैंने इनकम की जगह प्रोडक्ट चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने ऊपर दोनों बताए हैं ना बच्चे कि डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के, कोई इनमें डिफरेंस नहीं होता। तो जहां पर इनकम होगा अगर मैं वहां प्रोडक्ट लिख दूंगा, आपके सामने क्वेश्चन में आ जाएगा प्रोडक्ट, तो समझ लेना वो डोमेस्टिक इनकम ही है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट बच्चे, ठीक है। तो ये आपके पास वो कंसेप्ट थे बच्चे, ठीक है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, आशा करता हूँ आपका पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें बच्चे, ठीक है। और याद रखना बच्चे, अभी इसमें एक छोटा सा डिफरेंस और है, एक क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट कि डोमेस्टिक इनकम जो हमारी फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, या नेशनल इनकम जो हमारी नेट नेशनल इनकम है फैक्टर कॉस्ट वो क्या होती है, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, ठीक है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।